उन्नाव रेप कांड को लेकर उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। मामले में गठित एसआईटी आज ही उन्नाव का दौरा करेगी और मामले में पहली रिपोर्ट भी आज शाम तक पेश करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि उन्नाव मामले में गठित एसआईटी आज ही उन्नाव का दौरा कर और मामले में पहली रिपोर्ट पेश करे। इस बीच विधायक पर गैंग रेप का केस दर्ज करने की पीड़िता की याचिका पर उन्नाव की जिला अदालत कल सुनवाई करेगी। पीड़ित और विपक्षी पार्टियां विधायक सेंगर की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। फिलहाल योगी सरकार अब एसआईटी की जांच के बाद ही कोई एक्शन लेगी। बता दें कि बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर और उसके भाई पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है, मेरे द्वारा दी हुई है, उसमें विधायक का नाम आरोपित है। जो पुलिस ने अपनी तरफ से तहरीर लगाई है, जो एप्लीकेशन लगाई है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। तो क्या आप चाह क्या रहे हैं आप क्या? हम ये चाह रहे हैं जो मैंने तहरीर दी है, जो ओरिजिनल तहरीर है, उसको अंकित करें, उसमें जो लिखा है उस पर कार्रवाई करें और विधायक को अरेस्ट करें। विधायक तो इधर उधर घूम रहे हैं, कभी लखनऊ कभी यहाँ। आज उनकी पत्नी डीजीपी से मिलने वाली है। अब विधायक की पत्नी डीजीपी से मिले, हम नहीं उन्हें मना करते हैं, लेकिन विधायक जी ने जो अपराध करवाया है, जो हत्या करवाई है मेरे भाई की, और जो उनके सहयोगी हैं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है पुलिस? जो मैंने तहरीर दी है, उस तहरीर को पुलिस क्यों नहीं एफआईआर लिख के हमको उसकी कॉपी क्यों नहीं दे रही है? जबकि सीओ बीघापुर ने वो तहरीर अपने व्हाट्सएप से मेरे मोबाइल पर भेज रखी है। जिस तहरीर पर पुलिस काम कर रही है, वो मेरी दी हुई तहरीर नहीं है, ना ही मेरे परिवार की है। सीएम से मिलने को हो रहा था तो क्या हुआ क्या? कल जब हम अंतिम संस्कार करके आए थे, डीएम साहब ने कहा था कि आप सीएम साहब से मिलेंगे, तो हमारे परिवार ने कहा था हाँ हम मिलेंगे। कहते हैं ठीक, अभी लेके चलते हैं, लेकिन हमें लेके नहीं गए वहाँ। आज पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आ रहे हैं, क्या उनसे भी आप? हाँ, अमित शाह जी से अगर मुलाकात हो, चूंकि मैं भी बीजेपी का वोटर हूँ, बीजेपी को ही वोट देता रहा हूँ बराबर, ये तो अभी आए हुए हैं और मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। मेरी लड़की ने सीओ साहब को बयान दिया था बहुत दिन पहले, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अभी मैं उसको दूंगा आप लोगों को। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे भाई को मारा गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब मेरा भाई मारा जा रहा था, माखी एसओ वहां पे मौजूद था, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो कह रहा था मैं देख रहा हूं, लेकिन वो लोग उसको मार रहे थे। तो आज मिलना चाहते हैं बीजेपी? हाँ, हम जरूर मिलना चाहेंगे उनसे, अगर मुलाकात यहाँ का प्रशासन उसको वहां जाने की अनुमति देता है, अगर पहुंचाता है, तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा उनसे। अपनी बात रखेंगे? हाँ, अपनी बात पूरी रखेंगे और सारे सबूत देंगे।